हम अपने आसपास अनेक प्रकार के प्राणियों को देखते हैं, जैसे चींटियां, मच्छर, चिड़ियां, बिल्लियां, कुत्ते, बैल, घोड़े से लेकर हाथी और हवेल तक। कोई बहुत छोटे हैं, कोई बहुत बड़े हैं, कोई जमीन पर रहते हैं और कोई पानी में, तो कोई हवा में रहते हैं, कोई रेंगते हैं, किसी के पंख होते हैं, किसी के शरीर पर बाल होते हैं, किसी के शरीर रोएदार होते हैं। इन प्राणियों में भी बहुत विविधता है। हर एक प्राणियों की जाति का अध्ययन हमारे लिए करना असंभव ही है, पर अगर हम उनकी समानताओं के बारे में, विविधता के बारे में सोचे, तब हम उन्हें समूहों में और उपसमूहों में बांट सकते हैं, जिससे प्राणी जगत का अध्ययन आसान हो जाएगा। जब हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तब हम भिन्न भिन्न प्रकार के फलक देखते हैं, जिन पर कौन सी वस्तु कहाँ पर मिलेगी यह लिखा होता है। जैसे किराना और खाद्य पदार्थ पहली मंजिल पर मिलेंगे, कपड़े दूसरी मंजिल पर मिलेंगे और बिजली से संबंधित उपकरण तीसरी मंजिल पर मिलेंगे। इस प्रकार लिखा होता है। मान लीजिए हमें कपड़े खरीदना हो, तब हम दूसरी मंजिल पर जाएंगे, जहां पर औरतों के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए भिन्न भिन्न विभाग होते हैं। वैसे ही पाश्चिमात्य कपड़ों के लिए और पारंपरिक कपड़ों के लिए अलग विभाग होते हैं। पाश्चात्य कपड़ों के विभाग में भी पतलून, शर्ट, टी शर्ट, इनके भी अलग अलग विभाग होते हैं। शायद आगे जाकर ब्रांड के अनुसार भी उनका गुट बनाया जाता है। संक्षेप में, इस प्रकार हमारी इच्छित वस्तु हमें तुरंत मिल जाती है और इसमें कम समय लगता है। इसका कारण है, यह वस्तुओं का योग्य तरीके से वर्गीकरण किया गया है। इसी प्रकार जब हम प्राणियों को उनकी समानता और विविधता के अनुसार वर्गीकृत करेंगे, तब हमें इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले इन प्राणियों के अध्ययन में आसानी होगी। वर्गीकरण करने के लाभ। प्राणियों की पहचान आसान हो जाती है। उस प्राणी का अन्य प्राणियों के साथ संबंध स्थापित करना आसान हो जाता है और इससे हम उस प्राणी के उत्क्रांति के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। हमें प्राणियों के अधिवास संबंधी जानकारी भी मिल सकती है। प्रकृति में उनके निश्चित स्थान की जानकारी मिलती है और साथ ही प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुकूलन की भी जानकारी प्राप्त होती है। अनेक वैज्ञानिकों ने प्राणियों को वर्गीकृत करने के लिए अलग अलग पद्धतियों का उपयोग किया, जो भिन्न भिन्न निकषों पर आधारित थी, जैसे परंपरागत पद्धति, प्राकृतिक पद्धति, उत्क्रांतिवाद पर आधारित पद्धति। पारंपरिक पद्धति के वर्गीकरण के अनुसार प्राणियों के मुख्य रूप से दो भाग किए जाते हैं, जिसका आधार पृष्ठरज्जु नामक अवयव का होना या न होना, असमपृष्ठरज्जु प्राणी और समपृष्ठरज्जु प्राणी। असमपृष्ठ शरीर में पृष्ठरज्जु नामक अवयव नहीं होता है, ग्रसनी में क्लोम छिद्र नहीं होते हैं। तंत्रिका रज्जु अगर हो तो वह युग्मक, ठोस और शरीर के अधर तल में स्थित होती है। हृदय अगर हो तो वह पृष्ठतल पर होता है। समपृष्ठरज्जु शरीर को पृष्ठरज्जु का आधार होता है। श्वसन के लिए क्लोम छिद्र या फेफड़े होते हैं। तंत्रिका रज्जु शरीर के पृष्ठभाग में होती है और वह खोखली होती है। हृदय शरीर के अधर तल में होता है। असमपृष्ठ रज्जु प्राणियों को 10 संघों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। आदिजीव, छिद्रधारी, अंतगुहिन, चपटे कृमि, गोल कृमि, सखंड कृमि, संधिपाद, मृदुकाय कवचधारी, काटेदार त्वचा वाले, अर्धमेरुदंडीय। समपृष्ठ रज्जु प्राणियों को 3 संघों में विभाजित किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। संघ वर्टिब्रेटा को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, चक्रमुखी, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, सस्तन।